गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम हिंदी व्याकरण में पाठ 8 एक अनेक वचन देखिए पाठ पढ़ेंगे। पेज नंबर 35 वचन। बच्चों, जहाँ पे जैसे ये बताया जाता है कि वस्तु एक है या एक से अधिक है, उसे हम वचन कहते हैं। शब्द के जिस रूप से उसके एक या एक से अधिक होने का पता चले, उसे हम वचन कहते हैं। जैसे एक सामान है तो एक वचन होता है, और एक से अधिक है तो बहुवचन होता है। जैसे ये एक है, है ना? एक है। जैसे ये आपका क्या है? पंखा। आपके मुंह में दिया है, ऐसे करते हैं ना, ये आपका पंखा हो गया। एक पंखा है, फिर ये क्या है? ये आपका यहाँ पर दो पंखा है। ये क्या है? ये एक और ये दो, है ना? तो जब एक होता है तो ये एक वचन होता है, ये एक एक है तो ये एक वचन है, और ये दो है तो ये अनेक है। ये क्या हो गया? ये एक हो गया, ये दो आपका क्या हो गया? अनेक हो गया। ठीक है, ऐसे। फिर ऊपर देखिए, एक पंखा, एक बिल्ली, एक तोता, तो ये क्या है? एक वचन है। फिर ये अनेक है, दो पंखे, दो बिल्लियां, तीन तोते, ये क्या है? अनेक है, तो इसको हम बहुवचन कहते हैं। जैसे फिर इसके बाद आपके बुक में है, सीधे देख लीजिए, इसमें पत्ती, तो इसको हम बोलते कैसे हैं? देखिए, जैसे एक पंखा तो अनेक में देखेंगे पंखे, जब दो हो जाता है तो इसको हम पंखे बोलते हैं। जैसे ये एक है, इसको हम एक पंखा बोलते हैं, ठीक है? इसको हम पंखा बोलते हैं और इसको हम पंखे बोलते हैं, ठीक है? देखिए, इसको हम, ये एक है तो पंखा हो गया, दो है अनेक होने पर यह पंखे हो जाता है। फिर जैसे दो बिल्ली ना है, तो दो बिल्ली है तो इसको दो बिल्लियां बोलेंगे। तोते, जैसे एक है तो एक तोता हो गया, एक से अधिक है तो तोते हो जाएगा। तो इसी तरह से आपके बुक में है, जैसे पत्ती, पत्तियां, पेंसिल, पेंसिलें, मुर्गा, मुर्गे, किताब, किताबें, गमला, गमले, आंख, आंखें, जो भी वस्तु में एक होती है उसकी अनेक वस्तु में या एक करके उसको हम अनेक वचन में बनाते हैं। बच्चों, इसके बाद हम अपना अभ्यास कार्य करेंगे, ठीक है? ठीक है बच्चों, फिर इसमें जैसे पंखा का पंखे हुआ, बिल्ली का बिल्लियां हुआ, और तोता का तोते हुआ, इसी तरह से बहुत हमारे और शब्दों में एक से अनेक वचन बने हैं। अभी हम लिखवा दे रहे हैं, इसको आप अपने कॉपी में लिख लीजिएगा, ठीक है? पत्ती का हो जाएगा पत्तियां, पेंसिल, पेंसिल का होगा पेंसिले, किताबें,
करेंगे। फिर आंख, आंखें, ये आपका एकवचन शब्द है और ये बहुवचन शब्द है। पत्ती, पत्तियां, पेंसिल, पेंसिलें, मुर्गा, मुर्गे, किताब, किताबें, गमला, गमले, आंख, आंखें। इस तरह से ये शब्द आप अपनी कॉपी में लिखेंगे और इसको याद भी करेंगे। फिर इसके बाद है, देखिए पेज नंबर 36 पे इस पे अभ्यास कार्य है। अभ्यास कार्य में ये जो बॉक्स बना है इसमें से आपको शब्दों को खोज करके लिखना है। इसमें भी एक और अनेक शब्द है, ठीक है। इसमें इस बॉक्स से खोजेंगे और इसमें लिखेंगे और इसके बाद है चित्र देकर एक और अनेक से मिलाओ। ये हम आपका बॉक्स वाला करवा दे रहे हैं और आप बाकी मैचिंग आप खुद से करेंगे, ठीक है। एक में लिख देंगे ताला की ताले, टहनी के टहनिया, चिड़िया के चिड़िया, चिड़िया से हम यहाँ पर बिंदी लगा देंगे तो हमारा चिड़िया हो जाएगा, चंद्रबिंदु। तो एक से आने हो जाएगा। इस चिड़िया को यहाँ पर बिंदु नहीं लगा है, इसको सीधे चिड़िया लिखेंगे और अनेक पे चिड़िया मतलब यह पे चंद्रबिंदु लग जाएगा। रानी फिर हो जाएगा रानिया, इसके भी चंद्रबिंदु लग जाएगा। एक प्याला, प्याले, ये आपका एक है जो आपके अभ्यास कार्यक्रम में है और ये अनेक है। इसको भी बुक में पेज नंबर 36 पे पूरा करना है और चित्र देखकर एक को अनेक से मिलाओ। जैसे एक कुत्ता है तो इसको एक से मिलाना है। देखिए ये लिखा है एक और अनेक, इसमें जो शब्द एक है उसको एक से मैच करेंगे, जो अनेक है उसको अनेक से मैच करेंगे। जिसमें आपका कुत्ता है वो एक है उसको एक से मैच कर दीजिएगा और बत्तख है उसको एक से मैच करेंगे, कार है उसको एक से मैच करेंगे और आपका थर्मस इसको भी एक से मैच करेंगे। आइसक्रीम 1, 2, 3, 4 है इसलिए वो अनेक है उसको अनेक से मैच कर देंगे। फुटबॉल है 1, 2, 3 इसको 3 है इसको आप अनेक से मैच कर देंगे। चिड़िया 1 और 2, 2 चिड़िया है इसको आप अनेक से मैच कर देंगे। ठीक है बच्चों, आपका ये पाठ पूरा हो गया। आप ये जो आपका अभ्यास कार्य है इसको अपनी कॉपी में अनेक शब्द एक और अनेक शब्द लिखेंगे और अभ्यास कार्य को बुक में पूरा कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद अगले वीडियो में, थैंक यू।